हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नवनिधि इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज जीके का पीरियड है। सी एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ाई किया था। ओके, आज और टू मोर सी एनिमल्स का हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वन इज योर सी हॉर्सेस, दरिया घोड़ा जिसको हम कहते हैं। आज उनके बारे में देख लेते हैं। द हेड एंड नेक ऑफ सी हॉर्सेस आर सिमिलर टू दैट ऑफ सी हॉर्स। इनकी जो सी हॉर्स स्टूडेंट्स, जो दरियाई घोड़ा है, उनकी हेड यानी कि उनका सिर एंड नेक और गला, आपने जनरली हमने कभी घोड़ा देखा है, आपने बहुत सारे घोड़े देखे होंगे, तो सी हॉर्स आर सिमिलर यानी कि एक जैसा ही है। मतलब किसके जैसा? ऑफ ए हॉर्स, हम जैसे घोड़े को देखते हैं जनरली अपना बाहर, उसी तरह ही ये सी हॉर्स है, इसके लिए उसका दरियाई घोड़ा कहेंगे। दे ऑल्सो हैव ए लॉन्ग स्नाउट एंड कॉर्ड हेयर, उनके पास एक लॉन्ग स्नाउट है एंड कॉर्ड, कॉर्ड मीन्स मुड़ा हुआ टेल यानी कि उनका पूंछड़ी, उनके पूंछड़ी। दैट ग्रास्प ऑब्जेक्ट्स, वो क्या होता है, उनकी जो मुड़ा हुआ टेल है उसमें से वो ग्रास्प मीन्स पकड़ना, ऑब्जेक्ट्स यानी कि उनकी जो खाने की वस्तु है वो क्या करते हैं, वो जो टेल उनका मुड़ा हुआ है उसके हिसाब से उसमें पकड़ लेते हैं। दे फीड ऑन लार्वल फिश एंड टाइनी क्रस्टेशियंस। दे फीड लार्वल, लार्वल स्टूडेंट्स एक समुद्र में एक टाइप आपका कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो रहते हैं, वन टाइप ऑफ फिश। एंड टाइनी सर्कस्टेंस क्रस्टेशियंस यानी कि समंदर में जो इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं वो सबको पकड़ के वो लोग खाते हैं। एज द एक्वेटिक एनिमल्स लेक ऑफ ए स्टोमक यानी कि ये जो सी हॉर्स है स्टूडेंट्स, उसमें एक चीज आपको खास ध्यान रखना है, दे हैवंट द स्टोमक, लेक की कमी, स्टोमक की कमी है उनकी। सो दे कंज्यूम देयर फूड स्लोली, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने फूड, अपने जो खाना है वो धीरे 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 खाते हैं। सी हॉर्स जो देखने अपने जनरल हॉर्स जैसा होता है, उनकी पूंछड़ी मुड़ा हुआ है और वो लोग समंदर में कीड़े मकोड़े छोटे छोटे फिश वगैरह खाते हैं और उनकी स्टोमक की कमी के हिसाब से वो लोग को अपना फूड को जो है धीरे 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 खाते हैं। नेक्स्ट सैल्मन, सैल्मन क्या होता है स्टूडेंट, वन टाइप ऑफ फिश, एक प्रकार का मछली है। सैल्मन इज ए टाइप ऑफ फिश, ये एक तरीका का मछली है। दैट इज बॉर्न इन फ्रेश वाटर, और स्टूडेंट्स देखिए ये जो सैल्मन फिश है वो बॉर्न इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर मीन्स सी वाटर जो नमक वाला है वहाँ पे उनकी जन्म नहीं होती है। ओके, फ्रेश वाटर नदी तालाब, तालाब तो नहीं, नदी में ही आएगा स्टूडेंट्स। दे बॉर्न इन फ्रेश वाटर माइग्रेट टू द ओशियन, वहाँ पे फ्रेश वाटर में उनकी बॉर्न होने के बाद, उनके जन्म होने के बाद दे माइग्रेट टू द ओशियन, फिर वो क्या करते हैं ओशियन में यानी कि समंदर में चले जाते हैं। बॉर्न हुए फ्रेश वाटर में, फिर बॉर्न होने के बाद दे माइग्रेट यानी कि वो समंदर में चले जाते हैं। एंड रिटर्न्स टू द फ्रेश वाटर टू रिप्रोड्यूस, फिर स्टूडेंट्स क्या होता है, एक बार बॉर्न हुए फ्रेश वाटर में,
फिर माइग्रेटेड हो जाते हैं, चले जाते हैं ओशियन में, फिर से फ्रेश वाटर में वो लोग आते हैं। कब? जब उनको अपने वंश बढ़ाना होता है, वो रिप्रोड्यूस करना रहता है। दे आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस। और ये जो सैल्मन फिश स्टूडेंट्स, उसको हम लोग खाते हैं, ह्यूमंस यानी कि कुछ इंसान जो है सैल्मन फिश को खाते हैं। क्यों? सम दे आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस फॉर देयर हाई प्रोटीन कंटेंट। क्योंकि सैल्मन फिश में जो है स्टूडेंट हाई प्रोटीन, प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसके लिए ह्यूमन उनको खाते हैं। वो क्या क्या रहता है? विटामिन डी, प्रोटीन, विटामिन डी एंड ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स। इतने सारे स्टूडेंट्स अपने को हाई लेवल प्रोटीन, विटामिन, फैटी एसिड, ये सब हमको सैल्मन फिश के अंदर अगर हम खाते हैं तो उसके अंदर मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, ये दो को आपने नोटबुक में लिख लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट पीरियड फिर हम और दो के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।